भारत का उत्तर प्रदेश राज्य कई महान हस्तियों को बनाने का साक्षी रहा है। कवि और लेखकों के साथ ही इस अवध प्रांत ने कई वीर पुत्रों को भी जन्म दिया, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी, राम प्रसाद बिस्मिल, आसिफ अली आदि न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपना तन मन सब समर्पित कर दिया। इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम आता है, चंद्रशेखर आजाद, जिनके नाम से कानपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में देश में भीषण सूखे व अकाल से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फेमाइन कमीशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1892 में प्रथम कृषि वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त एग्रीकल्चर केमिस्ट द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों की जलवायु व मिट्टी का परीक्षण किया गया। सरकार द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई कि कृषि शिक्षा व शोध को बढ़ावा दिए बिना खाद्यान्न समस्या का समाधान होना असंभव है। इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि शिक्षा व शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1906 में पुणे, साबोर, कोयम्बटूर, नागपुर, कानपुर व लायलपुर में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कूल्स की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद लायलपुर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। हमारे विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि वो शिक्षा, शोध और प्रसार में बेहतरी लाए, जिससे कि हमारे विद्यार्थी और हमारे जो किसान हैं, हमारा प्रदेश है, वो काफी आगे बढ़े। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत स्टूडेंट इंस्ट्रक्शनल फार्म में शोध कार्यों के साथ साथ छात्रों को फसल उत्पादन में व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। सीमांत व लघु किसानों के लिए फार्मिंग सिस्टम मॉडल भी विकसित किए जा रहे हैं। IFS एक्रिप IFS योजना के तहत ICR की मदद से हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल डेवलप कर रहे हैं, और मॉडल एस्टेब्लिश करने से पहले जो हम इस जोन के किसान हैं उनका सर्वेक्षण किया हमने, और सर्वेक्षण के उपरांत जो किसानों के यहाँ उपलब्ध संसाधन हैं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने इनिशियली जो है 3 कंपोनेंट इस मॉडल में इंटीग्रेट किए हैं। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा है एनिमल, और तीसरा हार्टिकल्चर। बेसिकली ये मॉडल डेवलप करने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज का सिनेरियो ये है कि आज लगभग प्रदेश में 90% किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में है, जिसके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच है। तो सवाल ये है कि इन किसानों का भरण पोषण कैसे किया जाए, तो इन सारे जो कंपोनेंट हैं उनको एक जगह पर इंटीग्रेट करके किसान कैसे अधिक से अधिक आमदनी ले सके, ये उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ये 2010-11 में ये मॉडल एस्टेब्लिश किया गया। विभाग के अंतर्गत स्थित मौसम वेधशाला से मौसम संबंधी आंकड़े प्राप्त कर किसानों को मौसम पूर्वानुमान वे कृषि परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मौसम वेधशाला 1969 में
कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत स्थापित की गई। इस मौसम वेधशाला के अंतर्गत हम पिछले 24 घंटे का अधिकतम तापक्रम, न्यूनतम तापक्रम, विंड और विंड का डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी तथा रेन्स जो है वो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गाज के माध्यम से, ऑर्डिनरी रेन गाज के माध्यम से, तथा इस क्षेत्र में एवापोरेशन कितना हो रहा है पानी का, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा होगी या नहीं होगी उसके बारे में जानकारी देते हैं। क्या तापक्रम होगा, क्या रात का तापक्रम होगा और क्या दिन का अधिकतम तापक्रम होगा, इसके बारे में जानकारी देते हैं। और इस फोरकास्ट के माध्यम से हम अपने किसानों को ये जानकारी देते हैं कि अगले 5 दिन जो वेदर रहने वाला है उसमें किसान अपनी खेती पर क्या प्रबंधन करे। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल व फूलों पर शोध कार्य संपन्न किया जाता है। नींबू वर्ग के फलों में विभिन्न फल जैसे नींबू है, संतरा है, किन्नू है, करना खट्टा है, आदि प्रमुख रूप से हमारे बाग में उपलब्ध है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में शिक्षण कार्य के साथ साथ दुग्धशाला में उन्नत किस्म की गायों व भैंसों का शोध कार्य हेतु रख रखाव किया जा रहा है। पशुओं को संतुलित आहार व हरे चारे की पर्याप्त मात्रा देकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का कार्य किया जाता है। कुक्कुटशाला इकाई में विभिन्न प्रजातियां जैसे व्हाइट लेगहॉर्न, रेड कॉर्निश, प्लाइमथ रॉक, असील एवं कड़कनाथ के मुर्गे व मुर्गियों का रख रखाव किया जा रहा है। अंडों से चूजे पैदा करने वाली हैचरी भी स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय में वर्ष 1996 में गृह विज्ञान महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, जिसमें देश एवं प्रदेश के विभिन्न भागों के छात्रों के लिए गृह विज्ञान में शिक्षा के द्वार खोल दिए गए हैं। हमारे जो 5 एरियाज हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो काम है वो टीचिंग है। हमारे यहाँ बीएससी, एमएससी, पीएचडी और पीडीएफ स्टूडेंट्स हमारे इस साल 2014 में आए हैं। हमारे यहाँ जो फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है उसकी जो मेथोलॉजी है उसमें हम लड़कियों को मेथड ऑफ कुकिंग, फूड को कैसे सेफ रखना चाहिए, कुकिंग मेथड्स उनके। इस महाविद्यालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, फूड सिक्योरिटी एवं फूड फोर्टिफिकेशन। हमारे यहाँ एक नर्सरी चलती है छोटे बच्चों की, जिसपे हमारे जो यूजी के और पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके ऑब्जर्वेशन मेथड्स करते हैं, जिससे कि उनका कैसे विकास होता है इसको देखते हैं। हमारे यहाँ जो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में उसमें हम इंटीरियर डेकोरेशन, घर को कैसे अच्छा बनाया जाए, HIG, LIG, FIG लेवल पे किस तरीके से लेआउट करना, ये हम बच्चों को बताते हैं। अब तक इस संकाय से 40 किताबें तथा 400 शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं। संकाय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस वर्ष 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तिलहन अनुभाग द्वारा राई, अलसी, मूंगफली, तिल
व सोयाबीन की लगभग 81 उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। हमारी एक प्रजाति वरुणा बहुत ही अच्छी प्रजाति है, जो पूरे देश और विदेश के लिए संस्तुत प्रजाति है। ये उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी प्रजाति है। इस प्रजाति ने 130 से 135 दिन में पककर के 28 से लेकर के 30 क्विंटल उत्पादन देश के लिए कीर्तिमान रखा है। जमाव के समय में तापक्रम सामान्यतः देखने में आता है कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में 37-38 डिग्री तापक्रम रहता है, तो उसके लिए भी आज हमारे पास प्रजाति है और ये देश की पहली प्रजाति, इसका नाम है उर्वशी। ये भी हमारे विश्वविद्यालय कानपुर से 1999 में विकसित की गई है। हमारे पास पीली सरसों की एक नई प्रजाति है जो पूरे देश के लिए संस्तुत है, उसका नाम है पीताम्बरी। और ये प्रजाति वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए इस प्रजाति को संस्तुत किया गया है और ये तेल के लिए सबसे अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है। साथ ही साथ ये प्रजाति भी कीड़े और बीमारी के प्रति अवरोधी प्रजाति है। शाक भाजी अनुसंधान की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। यहाँ पर विभिन्न शाक भाजी फसलों जैसे मटर, टमाटर, मिर्च व मसाला फसलों की लगभग 57 प्रजातियां व 72 कृषि तकनीकियों का विकास किया जा चुका है। हमारे साग भाजी अनुसंधान केंद्र से 57 उच्च कोट की विभिन्न साग भाजी की प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। जिसमें जो एग्रोटेक्निक भी इसमें के तरीके से भी हम करते हैं, जिसमें मटर की आजाद पीथी पूरे भारतवर्ष में लगभग 70% एरिया एक कवर करती है। इतनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। साठ के दशक में जब देश में खाद्यान्न की समस्या थी तथा विदेशों से लाल गेहूं का आयात किया जाता था, उस वक्त विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं की उन्नत प्रजातियां विकसित कर हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय प्रेस की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका जो शिक्षण, शोध और प्रसार से संबंधित जो भी साहित्य होता है वो विश्वविद्यालय प्रेस से छापा जाता है और किसानों के लिए भी जो कृषि साहित्य तैयार किया जाता है वो भी इसी प्रेस से ही तैयार किया जाता है। अंडर डायनेमिक लीडरशिप आरबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मुन्ना सिंह जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस हैज इनिशिएटेड सेवरल programs for students. During this period, we have taken several good steps to improvement the overall the performance of the student. And one major step, the insurance of all student was covered. And whenever they were found trouble, we have helped them and rushed them immediately in hospital. Apart from this, for their sport, special care was taken and entire stadium, sports stadium was renovated and hostels was given a new shape. Jali installation was done so that they may not be victim of the mosquitoes, etc. छात्रों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के वातावरण को कूड़े करकट गंदगी से दूर किया गया है। स्वच्छ सीएसए, स्वस्थ सीएसए का नारा दिया गया है। विद्यार्थी यह पाकर बड़े खुश हैं, वो जनजनित बीमारियों से दूर हो गए हैं और अपने पठन पाठन पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण से हमारे लगभग 50 विद्यार्थी
आईसीआर जेआरएफ में सेलेक्ट हुए थे, हमें कहते हुए बड़ा गर्व लग रहा है। यह संख्या देश में नंबर। विश्वविद्यालय की कार्यकुशलता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह द्वारा लगातार विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों व प्रक्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा महत्वपूर्ण बैठकें कर समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को यहाँ के हर छात्र व कर्मचारी ने देखा, समझा और जाना है। उन्हें गर्व है कि वे विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा है। किसानों तक नई तकनीकी पहुंचाने के लिए मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि आने वाले समय में मैं कम से कम 3 प्रजातियां वर्ष 2015 में इस देश को दूंगा। मुझे गर्व है। हमें गर्व है, हम सीएसए के छात्र हैं और सीएसए ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने कैरियर की ऊंचाई को छू सकें और किसान हित में कुछ कर सकें। मुझे गर्व है। हर स्टूडेंट की जितनी छोटी सी छोटी की समस्या है वो हमारे विश्वविद्यालय में भी इस हिसाब ने उसको सॉल्व किया है। मुझे गर्व है। मैं विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं, कर्मचारी और फैकल्टी मेंबर से ये आशा करूंगा कि ये विश्वविद्यालय की हित को हित से काम करेंगे और इस विश्वविद्यालय को ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जाएंगे। Here we get proper environment for the development of our own self, and here also the hostels are very good for the studies, and we also enjoy the hostel life with my friends. CSA rocks! I have spent my last 1.5 years of my life in this college, and I hope the upcoming years will be more successful and bright for me. मुझे गर्व है। Best for us, incredible CSA. मुझे गर्व है। All I want to say is this. Here one can get a better environment for their studies. We are proud to be a part of CSA. मुझे गर्व है। इस प्राचीनतम एवं गौरवशाली इतिहास वाले विश्वविद्यालय में कार्य करने से मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। हमें गर्व है। CSA के स्वच्छ वातावरण में हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। CSA रॉक। मुझे गर्व है। हिप हिप हुर्रे। मुझे गर्व है। रिसर्च फॉर होम साइंस। हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। मुझे गर्व है। मैं अपने छात्र छात्राओं से अपेक्षा करता हूँ कि वो अपने हुनर का बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्वयं की प्रगति, समाज की प्रगति, प्रदेश की प्रगति एवं देश की प्रगति हेतु सस्ते, टिकाऊ एवं मेंटेनेंस फ्री करें। मुझे गर्व है। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का हिस्सा बनकर आओ हम सभी मिलकर कृषि के विकास में अपना योगदान दें।